मॉर्निंग की जगह हो गई गुड इवनिंग, बिल्कुल सुबह से मिला नहीं टाइम कुछ भी बनाने का। और लग रहे हैं आजकल डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर। पहले अंश को वायरल फीवर, अब हस्बैंड को थोड़ा सा गड़बड़, तो डॉक्टर के पास से होते हवाते अब मेरे हस्बैंड मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, और इतने चला के मंडे को ही लेकर निकलते हैं जब पूरी मार्केट बंद होती है। देखो पूरी मार्केट बंद है तो अब डॉक्टर के लेकर मेरे को मार्केट घुमाने निकले हैं कि चल कंचन तुझे बाजार घुमा देता हूँ, चलाक पति। हाय हाय है, मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन लेने के लिए, उनका फ़ोन एक ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो वो लेने के लिए आए हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आपको मैंने पहले भी शो किया था फ़ोन में जब मैंने अपना लैमिनेशन एंड ऑल कराया था, बट तब हम लोग अप स्टेयर गए थे, अभी हम लोग यहाँ नीचे ही हैं और हस्बैंड गए हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर, बिल्कुल नीचे गए हैं। और मैंने ख़रीदी है ये लीड जो आप देख रहे हैं ना मेरे कानों में लगी हुई, महंगी वाली, सस्ती वाली नहीं खरीदी, बहुत महंगी वाली है। सस्ती वाली के तो मैं पैसे खुद देने को रेडी थी, बट पति ने कहा नहीं अच्छी वाली खरीदो, तो मैंने कहा फिर पेमेंट भी आप ही करोगे चलाकी हमसे, तो उनसे ही पेमेंट करवाई। और मैंने अब देखती हूँ इसमें मेरी आवाज़ कैसी आती है व्लॉग्स में, क्योंकि व्लॉग में था कि आवाज़ बाहर की बहुत ज़्यादा आ रही थी, शोर शराबा ऑन रोड जब भी मैं व्लॉग बना रही थी तो उसमें शोर, व्हीकल्स का शोर, इन सब का बहुत आ रहा था। तो ट्राई कर रही हूँ इससे, देखती हूँ कैसी बनती है वीडियोज़, और फिर इसी से ही बनाऊँगी। मार्केट आओ और इनके दर्शन ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चटोरे पतिदेव ने स्कूटर इतनी दूर से मोड़ के लाए, अरे ये गोलगप्पे खाने तो रह ही गए, चलो पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। हाय, मार्केट गए थे, एक तो आज पूरा दिन मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो बड़ी मुश्किल तो बनाया, चलो कोई नहीं बन गया, थोड़ा बहुत बाजार चले गए। पहले अंश की तबीयत खराब, उसे डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके पापा को डॉक्टर को दिखाया, फिर टेस्ट कराए, फिर वापस डॉक्टर के पास आए, फिर घर लेट हो गए, फिर आकर खाना बनाया, अरे भैया रे टाइम ही नहीं मिला। तो आज ना अब मैं इधर ही बैठी हूँ और ये तीनों बाप बेटे उधर बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बैठे बैठे मैंने प्लान किया, मैंने सोचा, आज एक एक्टिविटी देखी थी मैंने व्हाट्सएप पर, कि मैंने सोचा कि देखती हूँ मेरे बारे में कौन ज़्यादा जानता है, मीन्स मेरे हस्बैंड ज़्यादा जानते हैं या मेरे बच्चे ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने अपने ना कुछ क्वेश्चंस तैयार करे इधर कमरे में आकर चुपके चुपके से, और ये सब लोग उधर हैं। अब थोड़ी देर में इन्हें कॉल करके बुलाती हूँ, फिर इन लोगों से वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगी, पापा वर्सेस बच्चे, और फिर देखती हूँ इनमें से कौन विनर होता है, वह व्यक्ति जिसके संग मैंने 25 साल बिताए या मेरे बच्चे, देखती हैं कौन जीतता है, ठीक है। तो अभी मैं उन लोगों को कॉल करती हूँ, अभी तो आराम से मूवी देख रहे हैं तीनों के तीनों, बुला कर लाती हूँ। हाँ जी, तो एक्टिविटी के लिए बड़े भाई साहब तो आ गए हैं, छोटा का हाँ छोटा भी आ गया है, पतिदेव को बुलाना पड़ेगा। पतिदेव, हाँ जी पापा, हाँ आओ प्लीज थोड़ी देर के लिए, क्या करना है? अच्छा तो मैं आए भाई, तो मेरे व्लॉग में आते भी नहीं हो, क्या बात हो गई, आ जाओ आ जाओ, अरे मिलेगी जगह, सबको मिलेगी। हाँ तो अरे मैं कुछ ऐसे ही आज व्लॉग बना रही थी, थोड़ा सा आगे आ जाओ आवाज क्लियर आएगी। तो मैं जैसे व्लॉग बना रही थी, मैं सोच रही हूँ आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लेती हूँ तीनों का, जो आज से पहले टेस्ट नहीं लिया, इम्तिहान लिए मैंने, इम्तिहान आज मैं टेस्ट ले, आज मैं टेस्ट लूंगी। तो ये मतलब मैंने ऐसे प्लान किया है, बच्चे वर्सेस हस्बैंड, कौन मुझे ज्यादा अच्छी तरह जानता है, मेरे हस्बैंड जिनके साथ मैंने 25 वर्ष बिताए हैं या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। देन के साथ टोटल 25 से ज्यादा मिला चुका, 18 और 13 मतलब 25 साल टॉर्चर करा तुमने, यार ये तो टॉर्चर तो सच्चाई बोलने लगा। चलिए रेडी रेडी बेटा, देखो सुनो सिंपल है, कोई चीटिंग नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर मैं अपना आंसर लिखूंगी, ठीक है। पहले मैं अपना आंसर लिखूंगी फिर देखूंगी इनमें से किनके साथ मेरा आंसर मैच हो रहा है, जिसे मैच होगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। पीछे कबूतर उड़ रहा है, कबूतर को इंच कंट्रोल में करो आज, ठीक है। रेडी रेडी है ना सब लोग, लेट्स गो, डन करिए, ऐसे करिए रेडी पहले।
शर्मा जी, ओके डन, ठीक है ठीक है, ओके रेडी। देखिए बिल्कुल प्लेन पेज है, प्लेन पेज, इस पर मैं छुपा कर आंसर लिखूं, चिकना पेज है, चिकना, ठीक है। तो वन बाय वन पहले मैं अपना आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे पता है ना क्या है। क्या पापा नो चीटिंग, चीटिंग मम्मी आपके पति देव चीटिंग कर रहे हैं, और अंश मम्मी चीटिंग डूइंग पति देव, और अंश भाई दिख भी नहीं रहा है। मैंने अपना आंसर लिख लिया, ठीक है। चलिए बताइए मेरा फेवरेट कलर, पहले मेरे बच्चे बताएंगे मेरा फेवरेट कलर। चल आना, कलर बताओ फेवरेट, फिर मैं बताऊंगा। दोनों ने एक साथ बताना है, दोनों डिस्कस कर सकते हैं, कर लो आप। पिताजी बताएंगे, आप बताइए स्वामी। पर्पल, पर्पल। अंश रेड, आंसर है मेरा पिंक और रेड। आंसर आप लोग देख लो पहले। चलिए ओपन योर आईज। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट फूड बताओ, एक घर का खाने का और एक बाहर के खाने का। पहला पतिदेव आप बताइए, एक चीज ऐसी जो मुझे घर में जो मैं खाती हूँ मुझे बहुत पसंद है, और एक चीज ऐसी जो मैं बाजार में खाती हूँ मुझे बहुत पसंद है। एक चीज और है, दही चीनी घर की, और बाहर के आइसक्रीम वाली, बच्चों वाली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, पेज ही भर गया पूरा। मैं तो बहुत सारी चीजें खाती हूँ, पूरा पेज भर गया। चलो फिर भी मैंने फोर चीजें लिख दी है, घर की चीज कढ़ी चावल, अच्छा बाहर की चीज गोलगप्पे, ठीक है। आपने बोला कढ़ी चावल एंड गोलगप्पे, आपने क्या बोला, पाइनएप्पल वाली आइसक्रीम और दही चावल, आइसक्रीम और दूध चावल, दही चावल, दही चीनी, दही चीनी, सॉरी। सही है, दोनों को एक एक पॉइंट दे दो यार, दोनों ने ही ठीक बता दिया। गोलगप्पे कढ़ी चावल बिल्कुल सही सही कहा है, और इन्होंने वो मेरी पाइनएप्पल वाली आइसक्रीम जो मैं बाहर खाती हूँ वो। लेकिन मुझे दुख इस बात को लगा, इनमें से किसी ने भी स्प्रिंग रोल क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप खुद स्प्रिंग रोल हो, बर्गर भी बोल दो मेरे को, क्लियर ही बात ही खत्म करो महाराजा वाला एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट एक्टर बताओ, एक्टर, एक्टर। एक मिनट, एक्टर बता देंगे आप, ये बता दीजिए आप पंजाबी मूवीज में से पूछ रही हैं या हमारी मूवीज में। हिंदी मूवीज, हिंदी मूवीज, पंजाबी में तो मुझे सारे ही पसंद है। अक्षय कुमार, ओके। पापा आप बताओ। अजय देवगन और आमिर खान में से। हाय मैं मानी एक जमाना था मुझे आमिर खान पसंद था, और उसके बाद फिर मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो आमिर खान मेरा फेवरेट था। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि आमिर खान से रिलेटेड ना एक स्टोरी है, मुझे आमिर खान बहुत ज्यादा पसंद था शादी से पहले, और हाँ मेरा क्रश था। और क्या हुआ, जब गांव को बिलोंग करते थे ना, तो मतलब अच्छा नहीं मानते थे ना ऐसे फिल्म के एक्टर्स को पसंद करना या उनकी फोटो घर पर रखना। तो मेरी शादी की डेट जब फिक्स हो गई, मैं बुआ जी के संग मार्केट गई सामान खरीदने, तो वहाँ इतना बड़ा आमिर खान का ना पोस्टर गाँव में था, आपको पता नहीं ऐसे ऐसे करके स्टॉल लगा देते थे उसमें, और रेड कलर की शर्ट में आमिर खान इतना स्मार्ट लग रहा था मैं बता नहीं सकती। और बुआ ने मुझसे ना बहुत प्यार से पूछा, बेटा पापा बैठे हैं? हाँ, पापा को मैंने किस्सा सुना रखा है। पापा की आंखों में गुस्सा, जलेसी। नहीं नहीं, तो बुआ ने ऐसा कैसे, तो बुआ ने प्यार से मुझसे पूछा, बेटा तुझे कुछ और चाहिए तो बता, जो तू कहेगी मैं तुझे ले दूंगी। तो मुझे लगा बुआ तो आज बहुत प्यार कर रही है, वैसे मैं प्यार भी करती थी, तो मैंने बुआ से कह दिया आमिर खान का पोस्टर। इतना डाटा, इतना डाटा,
डॉक्टर का नाम उसके सामने लिया। बस मैं सौंदरू आमिर खान। चलिए अब बताइए, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना इन तीनों ने सेम ही आंसर देना है, फिर भी चलो मैं बता दे पूछ लेती हूँ। मेरा फेवरेट कॉमेडियन कौन है? कॉमेडियन कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। आप बताइए पतिदेव। वो जो मोटी सी आती है, ऐसे इज्जत से नाम लो, कॉमेडियन से नाम लो, भारती। फेवरेट मेरी भारती है, कपिल सेकंड नंबर पर है बट मेरी फेवरेट भारती है। और आप ना ऐसे मोटी सी मत बोल देना, रिस्पेक्ट से नाम लेना। मम्मी की इंस्पिरेशन है, लाफ्टर क्वीन है भारती, मम्मी की इंस्पिरेशन। हां मुझे बहुत पसंद है भारती आंटी, मुझे बहुत पसंद है पिट्टा उससे। और आप तो भारती का गोला भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। दोनों को 1-1 पॉइंट दे रही हूं मैं। ओके जितना बच्चों वही है, देखते हैं देखते हैं। वीडियो में आपको देख कर लग रहा होगा ना आलसी, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। अब आप लोगों को मुझे बताना है, अब ये लोग मुझे बताएंगे कि मुझे कौन से काम में सबसे ज्यादा आलस आता है, बताओ, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता करने का। कपड़े तैयार लगाना, संडे टू संडे तैयार लगता है, मैंने बेड फैला रहता। और ये तो बिल्कुल सही है, मुझसे कपड़े नहीं तह लगते, मुझसे कपड़े धुलवा लो, सब काम मैं कर दूंगी, लेकिन मुझसे कपड़े तह नहीं लगते हैं बिल्कुल, बहुत ही बोरिंग काम है वो। आमिर खान। सारे कपड़े तह मेरे हस्बैंड लगाते हैं, आज भी उन्होंने सारे कपड़े तह लगा कर बैठे। हाँ एक और काम पता है मुझे, इनको डॉक्टर के पास जाने में बड़ा आलस आता है। तो मेरे को भी उबा। और डॉक्टर जो इलाज बताता है वो 3 दिन चलता है, 3 दिन के बाद डॉक्टर अगर कहे 1 महीने बाद आना, ये आलस के मारे 3 महीने बाद जाती है 1 महीने की जगह। वो ये सच में ये 2-3 काम में ना बहुत भयंकर आलस आता है। अरे रुको अभी एक दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन, दोनों को 1-1 पॉइंट दिया मैंने, दोनों को, दोनों लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ कोई नहीं, क्योंकि मेरे पति को बहुत तेज नींद आ रही है। आप बताइए मेरी इंस्पिरेशन किससे, मुझे प्रेरणा मिलती है किससे, मेरे को आगे बढ़ने का? हमसे, परिवार से, अपने। अभी तो बोला इंस्पिरेशन आपकी भारती है, वो तो मेरे को मोटिवेट करती है। इंस्पिरेशन जिसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ, ठीक होना चाहती हूँ, बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। बताइए, वो तो हम ही है। होना बहुत जरूरी है, बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ नहीं। कहते और एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते रहो। कहते हैं ना पेड़ों से अगर पत्ते भी गिर जाते हैं ना तो पत्ते दोबारा पेड़ों पे लगते नहीं है, है ना? और जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ को भी बहुत दुख होता है, जब तारे गिरते हैं तो आसमान को भी बहुत दुख होता है। परिवार के साथ रहिए, मिलकर रहिए, एक मुट्ठी बनाकर रहिए, दुख है सुखे, लड़िए भी झगड़िए भी, सब कुछ कीजिए, सोइए भी, सोइए भी, कुछ काम खुद करिए, कुछ करवाइए भी। रुलाई की क्या पगली। चलिए बहुत अच्छा लगा। सारे दर्शकों को नमस्कार। एक मिनट, विनर डिक्लेयर किया जाए। yes! हम विनर तो आप सब हो। इक्वल इक्वल मिलेगा, देखो सब एक आंसर हमने ज्यादा दिया था। नहीं नहीं इक्वल इक्वल मिलेगा, देखो सब। अच्छा जी दर्शकों सबको नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय टाटा सी। इसलिए मेरे हस्बैंड आए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना वो मेरे साथ ही लगभग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और उन्हें बहुत तेज नींद आती है, तो वो सोने चले गए हैं। इतनी देर भी हमारे संग बैठे, धन्य भाग हो गए हमारे, हम इन्हें दवाई लेनी है। चलिए एक क्वेश्चन रह गया, और हस्बैंड चले गए, मैं किससे पूछूंगा? चलो तुम दोनों बताओ, तुम दोनों में से बड़े में से और से छोटा बेटा, ड्रेसेस बताओ मुझे कौन सी पसंद है, इंडियन या वेस्टर्न? इंडिया। अब तो वेस्टर्न की तरफ जाया जा रहा है। कब से जा रहा है? मेरे से बातें शेयर नहीं होती है, इसी होती है, लेकिन इंडियन, आई मैं अग्री इंडियन। इंडियन मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, इंडियन साड़ी, सूट, लॉन्ग हेयर विद गजरा, लॉट्स ऑफ चूड़ियां। लाइक लॉन्ग हेयर पसंद है बस। है नहीं मेरे,
पर मैंने सोचा मैं वीक लगाऊंगी, इतने लंबे लंबे बाल बनवाऊंगी अपने। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये हमारी एक्टिविटी छोटी सी जो हमने की है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आलसी लोगों को आगे से मैं अपने ना व्लॉग में लेने का या मुझे लग रहा है इस चेयर में कोई प्रॉब्लम है। पापा बैठे थे तो देख वह कर रहे थे, अब तन में बैठे तो ये भी सेम सेम वही हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इस चेयर में प्रॉब्लम है। बंदे हमारे सही है, हमारे बंदे सही है। चलिए ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं दिन में पता 50-50 बार अपना चैनल चेक करती हूँ कितने कमेंट्स आए कितने कमेंट्स आए। जो लोग रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें थैंक यू सो मच। ओके मेरे बच्चों को फीवर है फिर भी इसने मेरे साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, सो थैंक यू सो मच। बाय।